हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी वायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में बताने वाला हूँ कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्या क्या इसमें पाया जाता है, कौन कौन से जीन्स होते हैं, कौन कौन से मार्कर जीन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक, यानी कि सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसके लास्ट में एडवांटेज के बारे में बताऊँगा। तो आपको आपका जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है ये क्या है, ये एक नेचुरल प्लाज्मिड नहीं। जो हमने प्रीवियस क्लास देखी थी उसमें मैंने आपको नेचुरल प्लाज्मिड के बारे में बताया जो प्लांट के रूट में पाया जाता था, ठीक, प्लांट के रूट में नेचुरल प्लाज्मिड पाया जाता है। बट ये कैसा प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो क्या होती है, जो इसको साइंटिस्टों के द्वारा डिफरेंट टाइप के, मतलब जो साइंटिस्ट है वो उन्होंने बनाए, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम को डाला, डिफरेंट टाइप के जो है कि आप कह सकते हैं जीन्स को डाला है, ठीक। तो इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस डाले हैं, डिजायर्ड जीन डाले हैं, तो उन्हीं सब से ये मिला के आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये एक नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये जो है कि कैसे बनाया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया है। कहाँ बनाया गया, लेबोरेटरी में बनाया गया, ठीक। तो ये आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। अब आइए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो जो आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ठीक, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड डू नॉट पॉसेस ऑल द करेक्टर, ठीक, इसमें सारे करेक्टर जो है कि मौजूद नहीं होते, ठीक। बट ये एक क्लोनिंग वेक्टर के साथ मिल करके, ठीक, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर से इसको बनाया गया है। कुछ यानी कि आप आज हम आपको एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में बताएंगे जिसका नाम है PVR-90, ठीक, PVR-90 के बारे में बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जैसे आज हम आपको बताएंगे PVR-322, PVC-90, PUC-18, PST-101। तो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हैं, लेकिन आपके बायोटेक्नोलॉजी में PVR-322 सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। देखिए, जो PVR-322 है, PVR का मतलब होता है पीक, मीन्स होता है प्लाज्मिड, ठीक, प्लाज्मिड होता है। बी का मतलब होता है, एक बात समझ लीजिए यहीं पे, ठीक, पी फॉर प्लाज्मिड, ठीक, पी फॉर क्या है, प्लाज्मिड होता है, ठीक, पी फॉर प्लाज्मिड होता है, बी फॉर बॉलीबर होता है, आर फॉर रॉड्रिग्यूज। तो यानी कि दो साइंटिस्ट थे, बॉलीबर एंड रॉड्रिग्यूज ने इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को बनाया, ठीक, इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को दो साइंटिस्टों ने मिलके बनाया था। कब बनाया था, इन 1977 में, इन 1997 में इस प्लाज्मिड को बनाया था। ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक प्रकार का मॉडिफाइड प्लाज्मिड यानी कि मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर है, जिसमें 4000 यानी कि 4361 बेस पेयर का ये बना है, ठीक, ये 4361 बेस पेयर का बना है। ये कैसा है, मॉडिफाइड क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को ही वेक्टर बोला जाता है, ठीक। इसको किसने बनाया था, तो इसको दो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, वॉलीबर रॉड्रिग्यूज, इन्हीं के नाम पे इस प्लाज्मिड का नाम रखा गया पी फॉर प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड का नाम रखा गया PVR-322। अब जो आपका PVR-322 प्लाज्मिड होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं,
तो PVR-322 में जो आपका ये एक प्लाज्मिड है, इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, जिसका नाम है MPR यानी कि एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन। दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर आप हमारी प्रीवियस क्लास देखे होंगे, क्लोनिंग वेक्टर चीज वाली जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर आप उस वीडियो को देखे हुए होंगे तो आपको ये वीडियो एकदम इजी लगने लगेगा कि ये PVR-322 होता क्या है। ठीक, तो PVR-322 क्या है? एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको साइंटिस्टों ने बनाया था। ठीक, इस प्लाज्मिड का उपयोग करके डिफरेंट टाइप के जो है कि ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए इसका उपयोग करके। ठीक, तो ये क्या है? ये एक क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसको ह्यूमन ने बनाया था, साइंटिस्ट ने बनाया था। तो इसमें क्या होता है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक MPR होता है, एक टेटार होता है। MPR रेजिस्टेंट जीन यानी कि एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, जिसके विरुद्ध यानी कि अगर इस प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक आपके प्लाज्मिड में गई तो उसको किल कर देगी। ठीक, इसमें एक ORI रीजन पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक ROP पाया जाता है, रिप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है इसमें? और इसमें लगभग एट कितने एट एट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, एट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, एट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन को रिसीव करने का काम करते हैं, उसे एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये क्या है? प्लाज्मिड। ठीक, ये क्या है? प्लाज्मिट है। सपोज करिए ये एक क्या है? प्लाज्मिट है। अब ये प्लाज्मिट किस प्रकार से कार्य करता है उसको भी देखिए और इसके स्ट्रक्चर को भी समझिए। तो इस प्लाज्मिट में क्या होता है, दो रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, जिसको मैंने क्या बताया, जिसको मैंने टेट आर बताया यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बताया, और सेकंड आपको मैंने क्या बताया था, एम्पीसिलीन रेजिस्टेंट जीन के बारे में बताया। तो ये दो क्या होती है, रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है आपके प्लाज्मिड में, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में। इसी आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के अंदर जो आपका रेजिस्टेंट जीन है, इसी दोनों रेजिस्टेंट जीन के ऊपर इस टेट आर में दो प्रकार की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट होती है, इसी आपके प्लाज्मिड इसी आपके रेजिस्टेंट जीन में। तो इस रेजिस्टेंट जीन में मैंने बताया कि दो क्या पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट। पहला होता है BAM-H1, ये कहाँ होते हैं, ये आपके टेट आर में ही होते हैं, टेट आर में यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। पहला होता है BAM-H1, दूसरा होता है SALL-1 और BAM-H1। ये दो प्रकार की इसमें क्या होती हैं, दो प्रकार की इसमें कह सकते हैं आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होती है। रिस्ट्रिक्शन जो न्यूक्लियर एंडोन्यूक्लियज होती है, ये डिजायर्ड जीन को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट करने का काम करती है, उसको रिसीव करती है। ठीक, सपोज करिए अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप सारे फंक्शन को देख लीजिए। ठीक, उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, एक तरफ क्या होता है, MPR होता है, मैंने बताया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है इस तरफ। इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में भी, इस एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में भी दो और यानी कि इसमें भी दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइट प्रेजेंट होता है। पहला होता है PST-1, दूसरा होता है PBU-1। तो ये बात हो गई, चार मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताया जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेट आर और MPR के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी कि टेट रेजिस्टेंट जीन में पाई जाती है। उसके बाद इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी कि इसमें ECO-R1-1 पाया जाता है, HIND-3 पाए जाते हैं और CLE-1 पाया जाता है। ठीक, यानी कि इसमें और भी चीज़ें पाई जाती है, मैंने बताया कि एट
16 इंडो न्यूक्लियस पाया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 हो गए, अभी 4 बचे हैं। 4 कहाँ कहाँ पे है वो देखिए। तो इसके ऊपर यहाँ पे इको आर वन फर्स्ट पाया जाता है, हिंड सेकेंड पाया जाते हैं और क्लैब फर्स्ट पाया जाता है, ठीक। और इसके जो नीचे, इसके नीचे में ये आर ओ पी पाया जाता है, ठीक। रेप्लिकेशन आप प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन का रेप्लिकेशन करता है। इसी प्रोटीन आप रेप्लिकेशन में पी बी यू सेकेंड पाया जाता है। सब मिला के आपके 8 रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियज साइट हो गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ओ आर आई रीजन पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रीजन पाया जाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रीजन पाया जाता है। तो मैंने बताया कि इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो मैंने बताया 8। पहला साल्वन फर्स्ट, पाम एच वन, पी एच टी फर्स्ट, पी वी यू सेकेंड, 4 हो गए। फिर मैंने बताया कि पी एस यू सेकेंड, यानी कि ये 5वें नंबर पे, ये 6ठे नंबर पे, 7वें और ये 8वें नंबर पे, ठीक। ये 3, ये 4 और ये 1, सब मिला के टोटल 8 रिस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस हो गए। और 2 इसमें रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज में बताई, एमपीआर और टेटार सेकेंड। 1 ओआरआई रीजन पाया जाता है, 1 प्रोटीन रिप्लिकेशन रीजन पाया जाता है, ठीक। तो ये सब इसमें इतनी सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये कार्य कैसे करते हैं वो आप समझिए। देखिए, सपोज करिए कि इसमें एक डिजायर्ड जीन आया, ठीक, जो टेट रेजिस्टेंट जीन है। कैसे वो टेट रेजिस्टेंट जीन है, ठीक। सपोज करिए कि ये आपका हो, सपोज क्या करेंगे, तो आपका ये क्या है, एक वेक्टर मिल गया आपको। अब आपको डिजायर्ड जीन जोड़ करके आपको रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाना है, आरडीएनए बनाना है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के साथ में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का आप एक एंटीबायोटिक लाएंगे, ठीक। इसका उपयोग एंटीबायोटिक से होता है। अब आपको एंटीबायोटिक लाना है, ठीक। तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने सपोज करिए कि एक ऐसा डिजायर्ड जीन डाला जो एमपीआर पे सरवाइव करता है, ठीक, जो एमपीआर से रिएक्शन करता है, इससे नहीं करता, तब ये कैसे हुए, ये कैसे हो जाएंगे आपके, ये वेक्टर आपका किस पे सरवाइव किया, एमपीआर पे किया। अब ये एमपीआर पे जब सरवाइव किया, ठीक, यानी कि इस पे जाके ये इंसल्ट हो गया, तो ये इस पे जाके एक्टिवेट हो जाएगा इस पे एमपीआर पे। और जो आपका टी टेट आर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, इसके साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे, लाइगेज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे इसके साथ जुड़ के टेट रीजन पे, यानी कि ये साथ जुड़ के रिकम्बिनेट बना लेगा, इसके साथ जुड़ के रिकम्बिनेट बना लेगा। सपोज करिए, अब आपका जो दूसरा, मान लीजिए कोई आप दूसरा डिजायर्ड जीन डाले दूसरे प्लाज्मिड पे, वो इसके साथ जाके बाइंड हो गया और इसको क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। अगर इसके साथ इंसर्शन हुआ, इसके साथ ये जुड़ा, तो इसको इनएक्टिवेट कर देगा, इसके साथ एक्टिवेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा, ठीक। तो ये इस प्रकार से वर्क करते हैं। अब सपोज करिए, अब इनका 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 क्या वर्क है वो समझिए। इसका मैंने वर्क बता दिया कि मान लीजिए कोई आपने डिजायर जीन डाला जो टेट आर पे ही सरवाइव करेगा, इस पे सरवाइव नहीं किया। अब अगर इस पे ये सरवाइव कर लिया, ये रिकॉम्बिनेट बना लिया, आपका डिजायर जीन आया, सपोज कि ये डिजायर जीन इसके साथ आगे जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेट बना लिया, इसके साथ भी जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेट, अगर इस अगर ओनली इस पे जुड़ता है तब रिकॉम्बिनेट बना, केवल इस पे जुड़ता है तब रिकॉम्बिनेट बना, अगर ये दोनों पे सरवाइव कर रहा है तब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। और किसी पे सरवाइव नहीं किया तब भी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर दोनों पे सरवाइव कर लिया तब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक पे करता है तो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर सॉरी दोनों पे नहीं करता है तब नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों से कर लेता है तब ये होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा इसी क्रिया, अगर एक पे करता है तब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा, ठीक। अब देखिए, क्लेवन फर्स्ट, हिंड सेकेंड, इको आर फर्स्ट, पी एच टी फर्स्ट, पी एच टी सेकेंड और पी वी यू फर्स्ट, इनका क्या रोल है, ये क्या करेंगे, जो आपके डिजायर्ड जीन है
उसको एक्सेप्ट करने का काम करेगा ये। सपोज करिए आपका जो डिजायर्ड जीन है वो क्लेवंश से काटा गया है, वो क्लेवंश से ही काटा जाएगा, यानी कि उसको क्लेवंश से काटा जाएगा या फिर हिंडस्थर्ड से काटा गया इक्वारफट से। तो ये सारे जो इंटरन्यूक्लियस रखे गए हैं, सपोज करिए ये आपका डिजायर्ड जीन है, इसको ये नहीं काट सकता, इसको केवल हिंड सेकेंड काट सकता है। तब हिंड सेकेंड अगर प्रेजेंट होगा तो आपका जब इसमें प्लाज्मिड जोड़ा जाएगा, प्लाज्मिड जब इस प्लाज्मिड से आपका डिजायर्ड जीन जोड़ा जाएगा तो वो हिंड सेकेंड काट देगा। यानी कि बहुत सारे तभी इसमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस साइड डाले गए हैं, यानी कि चाहे जिससे ये कट जाए, ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक से ही कटेगा, ये जरूरी नहीं है कि ये किसी से भी कट जाएगा, ठीक, लेकिन कटेगा सिर्फ एक ही से कटेगा, जब भी कटेगा दो चार नहीं मिल जाएंगे। तो अब ये क्लेडिस्टिक या फिर क्ले या फिर हिंड सेकेंड इक्वार पीएसटी कोई इसको काट दिया, अब जाके ये टेटआर से जुड़ा कि इससे जुड़ा, अब इससे जुड़ा तो रिकॉम्बिनेंट बनाया इसका, ये इनएक्टिव हुआ, इसके जुड़ा तो ये रिकॉम्बिनेंट बनाया, ये इनएक्टिव हुआ, एक एक्टिवेट होगा एक इनएक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या करेगा ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, उसकी रिप्लिकेशन प्रोसेस करने लगेगा और ये क्या करेगा उसको प्रोटीन बना के देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल डीएनए टेक्नोलॉजी की। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड किस प्रकार से वर्क किया आपके डिजायर जीन के साथ, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए जो इक्वार वन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम है एस्केरिचिया कोलाई। हिंड सेकेंड का नाम है क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। क्लेवन का क्या नाम है, करियोफिनान लैक्टम। पीएचटी फर्स्ट का क्या नाम है, प्रोविडेंजिया स्टुआर्टी। फिर आपका पीबीयू फर्स्ट है और एक इसमें क्या है पीबीयू सेकेंड है, तो पीबीयू फर्स्ट पीबीयू सेकेंड का एक ही नाम होगा प्रोइटस वुलगेरिया, ठीक, प्रोइटस ठीक वुलगेरिज। बाम एच वन बैसिलस एमाइलो क्वांटिफेरिस, ठीक, क्वानिफेरियंस। साल फर्स्ट का स्ट्रेप्टोमाइसिन एल्बस, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओआरआई, आरओपी का रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, एएमपी का एम्पलिसिन रेजिस्टेंट जीन, टेट का टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन। तो मैंने आपको मैंने स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक, एक बार आप फिर से समझिए। जो आपका ये प्लाज्मिड है, देखिए रिकॉम्बिनेंट कैसे बनता है, आप प्लाज्मिड लिए हैं और ये क्या डिजायर जीन, आप इसको जोड़ दिए तब ये क्या बन गया, ये आपका आरडीएनए बन गया। अब आरडीएनए आप आर्टिफिशियली बना रहे हैं, बस वही चीज़ इसमें पढ़ना है आपको, आर्टिफिशियल कैसे आप रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे वही चीज़ इसमें जानना है आपको, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि आपने कोई डिजायर जीन लिया, ठीक, डिजायर जीन लिया, अब आपको प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके आरडीएनए बनाना है। अब मान लीजिए ऐसा आपने लिया है जो ए के साथ एक्टिवेट होता है, बी को इनएक्टिवेट कर देता है, अगर ये इसके साथ एक्टिवेट हुआ तो रिकॉम्बिनेंट बनाया, अगर नहीं एक्टिवेट हुआ दोनों के साथ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाएगा। अब इसमें को काटने के लिए इसको कहीं ना कहीं से काटा जाएगा तब ना रिकॉम्बिनेंट जुड़ेगा, ठीक। सब मैंने बताया कि ये वेक्टर है, वेक्टर को यहाँ से काटा गया, ठीक, डिजायर जीन को काटा गया, ये आ करके यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक। अब ये जब आ के इस पर बाइंड होगा तब ना रिकॉम्बिनेंट बनेगा। अब रिकॉम्बिनेंट सपोज करिए इको आर वन फर्स्ट काटा, इको आर वन फर्स्ट को वेक्टर को काटा, डिजायर जीन को काटा, उसको जोड़ दिया, तो काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की साइड से ये जो आप यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस साइड को वैज्ञानिकों ने प्रेजेंट किया, यानी कि अगर कोई भी डिजायर जीन आता है तो आप ये नहीं काटेगा तो दूसरा काट देगा, तीसरा काट देगा, चौथा, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साइड डाले, ठीक। दो रेजिस्टेंट जो कि दो रेजिस्टेंट जीन डाला इस तुलने, यानी कि मार्कर जीन डाला था एमपीआर और टेटार सेकेंड, एक के साथ अगर एक्टिवेट होता तो दूसरा इनएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि दूसरे के साथ कोई बाइंड नहीं किया, अगर दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं तब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है और रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब समझते हैं एडवांटेज ऑफ पीवीआर 322 की, ठीक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार है तो, और मित्रों अपने शेयर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि
ये जो एक मैं सीरीज चला रहा हूँ चिरोजी की फोर्थ सेमेस्टर की, वो सारे बच्चे पढ़ सके और उनका एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सके। तो देखिए ये जो आपका एडवांटेज क्या है, तो ये इसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। ठीक, कहाँ से इतने सारे वेक्टर खोजे जाएंगे? ये जो वेक्टर का उपयोग किया जाता है ये आर्टिफिशियली किया जाता है, ये मानव निर्मित वेक्टर है आपका, इसको साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग हम डिजायर्ड जीन को जोड़ करके एक नई तरह की वैरायटी उत्पन्न करने का काम किया जाता है। तो देखिए जो आपका ये वेक्टर होता है आर्टिफिशियल वेक्टर, ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं तो इसको आसानी से बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जा सकता है, इसको आसानी से किसी होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसमें आसानी से आप डिजायर्ड जीन को जोड़ सकते हैं। तो क्या हुआ पहला पॉइंट, इट इज स्मॉल इन साइज अबाउट 4.4 किलो बेस पेयर लॉन्ग, ये लगभग 4.4 किलो बेस पेयर लॉन्ग होते हैं और इट इज इजली यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में आसानी से कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जो आपका ये PBR322 है, इसमें दो सेलेक्टर मार्कर जीन पाए जाते हैं, यानी कि दो रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं जिसको हम लोग इट कैन ईजी सिलेक्शन ऑफ RDNA, जिसको हम लोग आसानी से RDNA में सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं और उसके साथ रिकॉम्बिनेट बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका द डिजायर जीन ORR जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने डिजायर जीन लिया है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, फॉरन जीन लिया है, जो भी लिया है आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको आप PBR में आसानी से जोड़ सके, इसलिए इस प्रकार की जीन को लिया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट आता है इट कंटेन अबाउट 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर साइट, इसमें लगभग आपके 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर साइट होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक, यानी कि इसमें 8 रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर, जिसको हम लोग RE का नाम देते हैं, ये 20 यानी कि इसमें 8 टाइप डाले गए, यानी कि अगर डिजायर जीन एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर से बाइंड नहीं करता है तो दूसरे से बाइंड कर ले, दूसरे से नहीं करता है तो किसी और से बाइंड कर ले, ठीक, वहाँ पे कट करके उसको ज्वाइन कर ले। पांचवे पॉइंट पे क्या है कि ये प्रोडक्शन करता है, जब उससे जुड़ गया तो बहुत सारे कॉपी बनाएगा, उसको बहुत सारे कॉपी बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा ये, तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जब ये आपका RDNA बन गया इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहाँ पे ढेर सारी उसकी कॉपियाँ बनाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो PBR होता है वो स्मॉल साइज का होता है, क्योंकि इसको डिजायर जीन से जोड़ना है, दोनों चीज़ें स्मॉल रहेंगी तब आसानी से दोनों का वर्क किया जा सकता है। ठीक, इट कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इसमें ROP रीजन पाया जाता है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, जहाँ से प्रोटीन का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोटीन के रेप्लिकेशन के लिए पाए जाते हैं। तो ये पूरी चीज़ें रही आपकी RDNA टेक्नोलॉजी में, किसकी बात हो गई, तो ये हो गई आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में। तो आर्टिफिशियल के प्लाज्मिड के बारे में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, तो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड मैंने बताया कि ये ह्यूमन साइंटिस्ट यानी कि मानव निर्मित है, जिसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर वेक्टर जो है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, इसमें ढेर सारे दो मार्कर जीन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, इसमें ORI रीजन है, रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन रीजन है, तो बहुत सारी चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है, जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अच्छी तरह के वैरायटी को उत्पन्न किया जा सके। ठीक, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसके एडवांटेज के बारे में मैंने बताया। अब अगले लेक्चर में आपको फाजमिट के बारे में बताऊंगा कि फाजमिट क्या होता है। ठीक, प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड के बाद आपको फाजमिड के बारे में बताएंगे, कल जो आने वाली क्लासेस होगी उसमें मैं आपको प्लाज्मिड के बारे में हो गया, अब ये फाजमिड के बारे में बताया जाएगा। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और इसका नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे
तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, जिससे आप ज्वाइन हो करके आप टेलीग्राम से PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको हम फाजमिट के बारे में बताएंगे कि फाजमिट क्या होता है। ठीक।